पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप 2023 की शुरुआत 31 अगस्त से होगी और फाइनल मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। इस बार ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जाएगा, जिसका मतलब ये है कि एशिया कप के शुरुआती 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे और बाकी के मैच श्रीलंका में होंगे। ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान अभी तक नहीं किया है, मगर अब एशिया कप 2023 के शेड्यूल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीरा रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप के शेड्यूल को 9 से 16 जुलाई तक दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ICC की वार्षिक आम सम्मेलन की बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है। एशिया कप का कार्यक्रम तय करने के लिए ACC BCCI सचिव जय शाह के नेतृत्व में एक बैठक भी करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ जो अभी चुने गए हैं जका अशरफ, उनके साथ में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और डायरेक्टर फैजल हसनैन इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। हो सकता है कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 3 मैच खेले जा सकते हैं। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ड्राफ्ट सभी टीमों को भेज दिया गया है। इस ड्राफ्ट के शेड्यूल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज स्टेज मैच 3 सितंबर को खेला जा सकता है। यह मैच श्रीलंका के दांबुला में खेला जा सकता है। एशिया कप 2023 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मजे की बात तो यह है कि नेपाल की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट के केवल 4 मैच होंगे, फाइनल समेत बाकी 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। टीम इंडिया अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी। लीग स्टेज में सुपर 4 और फाइनल समेत कुल 13 मैच खेले जाएंगे। भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीमों को एक ग्रुप में रखा गया है, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।